जय माता दी। आप सभी भक्तों का सप्तशती पाठ के इस सीरीज में स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत मार्कंडेय पुराण में वर्णित श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का वैदिक भाषा संस्कृत में वेदपाठी ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किया गया है। इसका श्रवण आप अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से कर पाएंगे। श्री दुर्गा सप्तशती महात्म्य के अनुसार जिस भी घर में यह पाठ पढ़ा या सुना जाता है वह स्थान भयमुक्त हो जाता है। उस स्थान से भय तथा दरिद्रता सदा के लिए लोप हो जाते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का श्रवण करने से पहले कवच, इसके उपरांत अर्गला स्तोत्र और फिर कीलक का श्रवण करना चाहिए। चूंकि शक्ति की साधना करते समय कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे संपर्क में ना आए, इसलिए कवच का श्रवण सबसे पहले करना अनिवार्य होता है। तो चलिए कवच का श्रवण करते हैं। ओम नमश्चंडिकायै नमः। मार्कण्डेय उवाच। ओम यद्गुह्यं वर्मं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्म उवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्रं सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं दक्षिणस्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च तृतीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्धमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रीतिताः। उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणेन महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विश्वमे दुर्गमे चैव भारता शरणं गता। न तेषां जायते किञ्चित् सममरणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयमहि। यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेषु रक्षसे तान् संत्रया। प्रेत संस्थापि चामुण्डा वाराहि महिषासना ऐन्द्रीगज समारूढा वैषमी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया स्वर्गरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मातरा सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण सौभाग्या नानारत्नोपशोभिता दुर्जन्तेरथमारूढा दिव्या क्रोध समाकुला सरंगं चक्रं गदां शक्तिं बलं चामुसलायुधं केटकं चोमरं चैव परुसंपासमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सार्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च दारिद्रायुधा नित्यं देवानां हिताय वै। नमस्ते महारुद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने त्राहि मां देवि दुष्पेभ्य शत्रूणां भयवर्धने। प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रि अग्नियाम् अग्निदेवता दक्षिणेव कुमाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणि प्रतीच्यां वारुणि रक्षेर्वायव्यां मृगवाहिनि उदीच्यां पातु कौमारी ऐषण्यां शूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे ततस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दशु दिशो रक्षे चामुण्डा शौमाहना जया मे चाकृता पातु विजया पातु पृष्ठता अजगा वामपार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता तिकामुद्योतने रक्षे दुमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधारी ललाटे च भ्रू रक्षे दशर्षणि रेर्दाचारभ्योर्मध्ये यं घण्टा जनाचिके टङ्किनी चाचिजोर्मध्ये नोद्रयोद्वारवासिनि कपोलोकालिका रक्षे कर्णमूले तु शङ्करि नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे तु चर्चिका अधरे च मृतला दीवायां च सरस्वती दन्ता रक्षतु कौमारी कण्ठदेशा तु चण्डिका चण्डिका चित्रकण्डा च महामाया च तालुके कामाक्षी च मुखं रक्षे वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां मध्यकाली च पृष्ठवंशे धनुधरे
नीलग्रीवा बहे कंठे नलिकाम नलकोगरे संधयो करगने रक्षे बाहु में वज्रधारिणी हस्तयो दंडने रक्षे दंडिका चांगुली सुजा नगाचूल्यासुरे रक्षे कुरो रक्षे कुलेश्वरी कीर्तनो रक्षन महादेवी मनासो कपिनाशनी हृदय लजा देवी उदरे शूलधारिणी नाभौचा कामिनी रक्षे गुह्यं गुह्येश्वरी तदा पूतना कामिका मेढं गुणे महेशवाहिनी काट्या भगवती रक्षे चांदनी मृंदवासिनी जंघे महाबल रक्षे सर्वकामप्रदायिनी कुलभयो नारसिंहि जा पाद पृष्ठे चिदयति पादांगुले श्री रक्षे पादा दस्तर वासनी नखा निष्ठा करा लीजा के देशनी रोम गोपे जो वेरी तो चंबा की सरी तथा रक्त मंजा वजा मांजा नित्य में दान दिवारवती अंतराणि काल रात्रि चा पित्तम चा मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्म कोशे कपे चूड़ा मणि तथा ज्वाला मुखे नख ज्वाला मेजा सर्व सिंधु शुक्रम ब्रह्मांड में रक्षे छाया छत्रे धरी तथा अहंकार मनो बुद्धि रक्षे में धर्म धारणी प्राणा पानो तथा व्यानम उदानम च समानकम भज्य हस्ता जमे रक्षे गाणम कल्याण शोभना रसे रूपे जगंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सततम रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु काराहि धर्मम रक्षतु वैष्णवी यथा कीर्तिम च लक्ष्मी च धर्म विद्याम चक्रणी गोत्रम प्राण में रक्षे पशुन में रक्ष चंडिके पुत्र रक्षे महालक्ष्मी भार्या रक्षे भैरवी पंथानां सुभदा रक्षे मार्गम क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वदा सिद्धा रक्षा हीनम तु यस्थानम भजितम कवचेन तु तत्सर्वम रक्षे में देवे जयन्ति पापनाशिनी पद में कर्ण गच्छे तु यदि छे शुभमात्मना कवचेनावृतो नित्यम यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजया सर्वकामिका यम यम दन्तयति मन्दं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमैश्वरमुकुलं प्राप्नोति भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्या संग्रामे पराजिता त्रैलोक्ये तु भवति पूज्या कवचेनावृता पुमान् इदं तु विद्या कवचं देवानामपि दुर्लभम् या पठे प्रयतो नित्यं सिद्धं दयाचिता दैवी कला भवे तस्य त्रैलोक्येश पराजिता जीवे द्वर्षमृत्यु विवर्जिता नक्षन्ति व्याधया सर्वे लूता विस्फोटकादया स्थावरं जङ्गमं चैव कृतिकं च बृहद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूतरा केचरा चैव दर्जा चोपदेशिका ताजा कुलजा माला डाकनी शाकनी तथा अंतरिक्षरा घोरा डाकिन्नश्च महाबला ग्रह भूतरा भूतले जपे सप्तसति चण्डे कृत्वा तो कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं धत्ते सदैल कनकाननं तावत् तिष्ठति मे निन्दा गन्धति पुत्र भौतृकी देहान्ते परम स्थानम यत् सुरैर भगुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादता लभते परमं रूपं शिवेन स मोदते। इस प्रकार कवच पाठ संपूर्ण हुआ। कवच के बाद अर्गला स्तोत्र का श्रवण करना चाहिए, तो अगले एपिसोड में आप अर्गला स्तोत्र का श्रवण जरूर करें। जय माता दी।